महोदय, मैं बड़े ध्यान से अपने दोस्त के भाषण को सुन रहा था। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि विरोधी दल के लोग न तो हरियाणा के खिलाफ हैं और न पंजाब के खिलाफ हैं। हम इस देश के साथ हैं और देश की एकता चाहते हैं। हरियाणा भी देश का अभिन्न अंग है, पंजाब भी देश का अभिन्न अंग है, राजस्थान भी देश का अभिन्न अंग है और हम इस देश की एकता की रक्षा करना चाहते हैं। हमें इस बात पर प्रसन्नता होती है जब सरकारी पक्ष के लोग खुलकर कहते हैं कि हमारे देश के भीतर फूट डालने वाली केवल विदेशी शक्तियां हैं, इसकी जिम्मेदारी अमरीकी सरकार की और पाकिस्तान सरकार की नीतियां हैं और वे हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं। आज अगर सरकारी पक्ष के लोग यह बात कहते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन साथ साथ हम आशा करते हैं कि अपने इस कथन के अनुसार वे आचरण भी करें। आचरण में उनको क्या करना चाहिए वह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज सारा देश इसकी आशा करता है कि आप केवल प्रचार के लिए यह बात न कहें बल्कि उसके मुताबिक आचरण भी करें। फिर जहां तक मंत्री साहब का बयान है, इस बयान से मुझे बड़ी निराशा हुई है। मुझे निराशा इसलिए हुई कि पंजाब की जो स्थिति है वह देश के लिए कितनी खतरनाक है, उसका एहसास इस बयान से नहीं होता। उस समस्या को सुलझाने के लिए इसमें कोई रचनात्मक सुझाव नहीं है। जो सुझाव मंत्री जी ने दिए वे क्या हैं? उन्होंने कहा कि पानी का सवाल और क्षेत्रीय विवाद दोनों को एक समिति को सुलझाने के लिए दिया जाए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या दोनों सवालों पर कुछ सहमति पहले बनी थी या नहीं। सरकारी पक्ष के लोगों ने विरोधी पक्ष की बड़ी आलोचना की है। हम लोगों को कह दिया है कि ये देश के टुकड़े करने वाले हैं। यह ऐसे लोगों ने कहा जिनका जन्म उस समय नहीं हुआ था जब हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर लाठी खाते थे। ऐसे ऐसे लोग भी अपना भाषण देते हैं, उनका जवाब देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि
विरोधी पक्ष के लोगों ने इस समस्या को सुलझाने में सरकार की कुछ सहायता ही की है। संपूर्ण विराम।